हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी दूंगी। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है, किस की को क्या बोला जाता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज होती है। कीबोर्ड में टोटल कीज होती है 104। अब देखते हैं ये की कौन कौन सी है। फंक्शन कीज होती है हमारी ये F1 से लेके F12 तक सारी फंक्शन कीज होती है। अब आते हैं कंट्रोल कीज़। ये साइड में टैब, कैप लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सारी हमारी कंट्रोल कीज़ होती है। फिर है अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती है। ये हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती है। फिर आते हैं अपर रो होती है हमारी, ये ऊपर वाली लाइन कीबोर्ड की, QWERTY, यह है हमारी अपर रो, या इसे टॉप रो भी कहते हैं। फिर आती है होम रो होती है ये बीच वाली लाइन, ASDFGH, ये जो लाइन है इसे हम होम रो कहते हैं। फिर आती है बॉटम रो, नीचे वाली लाइन, ZXCV, ये जो लाइन है इसे बॉटम रो कहते हैं। नेविगेशन कीज होती है हमारी, ये सारी कीज़ हमारी नेविगेशन कीज़ होती है। फिर आती है न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारा, ये जो नंबर वाला पैड होता है इसे न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। अब आते हैं इंडिकेटर लाइट्स होती है हमारी, ये जो कोने में लाइट्स होती है इन्हें इंडिकेटर लाइट्स कहा जाता है। तो हमारी सारी कीज़ हो चुकी है, आइए अब इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक, कंट्रोल कीज़ ये जो टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सारी कंट्रोल कीज़ है। फिर आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज़, ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है। फिर अपर रो, QWERTY, ये अपर रो है और इसे टॉप रो भी बोलते हैं। फिर होम रो, ये ASDFGH, ये हमारी है होम रो। बॉटम रो, ये ZXCV, ये लाइन बॉटम रो,
नेविगेशन कीज़, ये यहाँ पे जितनी भी कीज़ हैं ये नेविगेशन कीज़ हैं। फिर आती है न्यूमेरिक कीपैड, ये जितने भी नंबर्स हैं ये न्यूमेरिक कीपैड है। इंडिकेटर लाइट, ये जो कोने में लाइट्स हैं ये इंडिकेटर लाइट्स हैं। आई होप आपको समझ आया हो और वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।